फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंडिया में अगर किसी भी ऑफिस पे आप जा रहे हैं टेस्ट मारने के लिए, आप कोई भी काम में जा रहे हैं, मतलब कि वेल्डर से किसी भी काम में जा रहे हैं, आर्क वेल्डर हो, आर्गन हो, या FCAW वेल्डर हो, या GTAW, मतलब किसी भी प्रकार का वेल्डिंग करने के लिए जा रहे हो टेस्ट मारने के लिए, ओमान, बहरेन, कतर, कुवैत, कहीं भी गोल्फ में जा रहे हो या यूरोप में जा रहे हो, तो भाई से हम जानेंगे कि किस तरह से ऑफिस में टेस्ट लिया जाता है, किस तरह से आपका पासपोर्ट जमा किया जाता है, शुरू से हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप जाना चाहते हैं विदेश तो भाई वीडियो को पूरा देख लीजिए, आगे आपको किसी भी तरह का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले बताइएगा, कोई भी अगर जाता है ऑफिस पे टेस्ट मारने के लिए तो वहाँ का प्रक्रिया क्या होता है, शुरू से थोड़ा बताइएगा। पहले तो CV चाहिए, बायोडाटा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, ऑफिस में जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको टेबल टेस्ट के लिए क्लाइंट बुलाएगा, क्लाइंट के पास वो लोग भेजेगा ऑफिस वाला। तो क्लाइंट पास जाएगा तो टेबल टेस्ट लेना होगा, तो टेबल टेस्ट भी ले सकता है। अगर टेस्ट भी और डायरेक्ट प्रैक्टिकल टेस्ट लेगा वो, तो पाइप का टेस्ट लेते हैं तो 18 mm का पाइप देगा, 8 इंच का पाइपिंग का, उसमें आपको जितना बोलेगा उतना मार्क और दिखाना पड़ेगा। ये बताइए कि जो टेस्ट पीस आपको मिलेगा वो सिंगल आपको अकेला पूरा पाइप मारना पड़ेगा, एक ही पाइप में दो आदमी को भी टेस्ट देते हैं वो लोग? दो आदमी को भी दे सकता है और सिंगल आदमी को भी दे सकता है। हाँ, जैसा हार्ट टेस्ट रहता है हार्ट टेस्ट भी लेता है, अगर नॉर्मल रहता है तो डबल आदमी को भी दे देता है, आधा साइड एक आदमी मारेगा, आधा साइड दूसरा आदमी मारेगा। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे ऑफिस पे जाता है बहुत लोग बोलता है वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो क्या भीड़ को देख करके हम वहाँ से वापस चले जाएंगे? ऐसा बात नहीं है, भीड़ देख आप जाइए मत, वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, आधा आदमी तो मालूम नहीं रहता है काम, मगर चला जाता है जिसको काम वैसे ही मतलब छोड़ जाता है, छोड़ जाता है, काम मालूम नहीं रहता चला जाता है, और जिसको मालूम है वो पीछा रह जाता है, वहाँ तक जा नहीं पाता है। इसलिए आप लोग डराइए मत, वहाँ पर जाइए और अपना जो हुनर है वो दिखाइए वहाँ पर जाकर। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर काम कर रहे हो आपको पूरा जानकारी है तो जाकर वहाँ पे टेस्ट मारो यार, भीड़ देखकर घबराओ मत। भीड़ देखकर बहुत से लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं यार यहाँ पे तो काम ही नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो भी जाकर भीड़ लगा कर रखते हैं। तो आप काम जानते हैं तो वहाँ पे जाकर बेफिक्र और वहाँ पे लाइन में लगिए, आप पासपोर्ट जमा कीजिए, इंटरव्यू मारिए, जब तक टेस्ट नहीं आपका हो जाता है तब तक वहाँ से जाइए मत, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा टेस्ट निकला या हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। और चलिए, आपको इतना मालूम हो गया, कभी भी जा रहा है तो टेस्ट मार कर वहाँ से निकलिए। और थोड़ा बता दीजिए, टेस्ट हो जाने के बाद तो क्या क्लाइंट से कुछ बात करना पड़ता है वहाँ पे? क्लाइंट से बात नहीं करना पड़ता है, वो ऑफिस वाला बताता है कि हाँ जाइए भाई, अब टेस्ट पास हो गया है और मेडिकल करा कर आइए। तो मेडिकल में जाने के बाद 2-3 दिन के बाद वो रिपोर्ट देगा, तो आप फिट है या अनफिट है वो बताएगा। तो अगर अनफिट है तो मेडिकल कराइए और ओके हो जाता है तो आपका कंपनी वीजा यहाँ से प्रोवाइड करेगा, वहाँ पर ऑफिस वाला देगा, पैसा जमा कीजिए, उसके बाद वो सब चीज करके देगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वहाँ पे टेस्ट जब हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि एग्रीमेंट कब होता है, आखिर वहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि विदेश में चले जाने के बाद एग्रीमेंट होता है, थोड़ा उसके बारे में बता दें। वो इंडिया में ही एग्रीमेंट होता है, ऑफिस में ही। मतलब आप टेस्ट आपका पास हो गया तो वहाँ पर ही एग्रीमेंट हो जाता है कि कितना आपका सैलरी है, खाना पीना रहना आपका है कि कंपनी का है, सब मतलब वहाँ मालूम चल जाता है ना। वहीं पर मालूम पड़ता है और वो ध्यान से देखना चाहिए, और पढ़ लिखा है तो साइन कीजिए, नहीं तो किसी से पूछ लीजिए, पूरा मतलब वहाँ पे कंफर्म कर लीजिए तभी साइन कीजिए, नहीं तो वहाँ पे साइन कर दिया, यहाँ पे आइएगा विदेश में आकर तो बोलिएगा हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो एग्रीमेंट वो लोग दिखाएगा भाई तुम साइन किया है, तो पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर चला जाएगा, इसी तरह से ना। हाँ, इसी तरह से जो करना है वो इंडिया में एग्रीमेंट कीजिए, वहाँ से यहाँ पर आइएगा तो जो पेपर साइन किए रहेंगे वही यहाँ पर पेपर मिलता है, दूसरा पेपर नहीं मिलता। और हो सकता है फोटो भी खींच कर रखिए ताकि यहाँ पे अगर कोई बदलाव भी हो रहा है तो आप फोटो भी दिखा सकते हैं, सही है ना। और थोड़ा ये बता दीजिए कि वीजा आने में कितना समय लग जाता है अगर कोई काम कराता है आदमी? तो अभी तो ओमान का वीजा बैंड है, ओमान के वीजा के लिए ओमान का छोड़िए, मान लीजिए किसी भी दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जगह के लिए कोई भी मार रहा है, मान लीजिए आने वाले समय में ओमान का भी वीजा चालू हो जाएगा तो लगभग कितना समय लग जाता है वीजा आने में? हमारा वीजा तो 15 से 20 दिन में आया था, अभी कितना आदमी को 1 महीने में भी आ जाता है, 1.5 महीने में भी आ जाता है, मगर 3 महीने के अंदर में वीजा आ जाता है और वहाँ से आदमी भी आ जाता है यहाँ पर। लेकिन यार घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा तो 4 महीने में वीजा आया था, हम दोनों ओमान में ही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा वीजा 4 महीने में आया था, हमने की आ गया था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि 4 महीना 5 महीना लग जाता है लेकिन वीजा भी नहीं आता है, तो जिस तरह सिचुएशन आएगा वैसे बात करिएगा उनसे, ऑफिस वाले से, और अगर काम नहीं हो रहा तो आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ नहीं, चलिए।
तो भाई बस इतना समझ लीजिए, अगर आपको टेस्ट मारना है तो इस तरह से आराम से मार सकते हैं। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।